हाय गाइस, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। आज हम जिस पॉकेट ट्रिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉकेट ट्रिक है। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बार्ड। बार्ड की मीनिंग होती है कवि, और इसे हम कैसे याद करेंगे तो हम इसे रिलेट करेंगे बर्ड से। तो जो बर्ड्स होती हैं वो सुबह गाना गाती हैं, गुनगुनाती हैं, तो बर्ड्स बार्ड इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं वांडरिंग, पोएट, सॉन्गस्टर एंड स्वान। चलिए हमारा सेकेंड वर्ड देखते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है बॉयटेस। बॉयटेस की मीनिंग होती है सेमलेस। अगर हम इसे नॉर्मली पढ़ें तो बोर टेस्ट, और हम इसे लेट करना चाहें तो बार फेस्ट, बोर टेस्ट, बार फेस्ट। तो जब भी बार का ख्याल आता है हमारे जहन में, कहीं ना कहीं सेमलेस वर्ड खुद ही आ जाता है। एंड स्ट्रिपर्स यू नो हैव टू सेमलेस इन ऑर्डर टू डांस अगेंस्ट पोल इन बार। जस्ट आपको बार वर्ड रिलेट करना है एंड सेमलेस वर्ड खुद ब खुद ध्यान पे आ जाएगा। आगे बात करते हैं बास। बास की मीनिंग होती है एकदम समृद्धशाली लाइफ, सुख सुविधा से परिपूर्ण लाइफ। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? बास्क को हम रिलेट करेंगे बास्केटबॉल से। बास्क बास्केटबॉल। तो जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही लग्जरियट होती है, बहुत ही समृद्धशाली होती है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर लीजिएगा, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लग्जरियट, टेक प्लेजर इन वार्मथ। आगे बात करते हैं बेट। बेट की मीनिंग होती है नियंत्रित करना, और इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? बेट वेट। जब भी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती तो हमें कहा जाता है कि आप वेट करिए, चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगी, खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएंगी। तो बेट की मीनिंग होती है नियंत्रित करना, एंड इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं रिस्ट्रेन। आपको रिलेट करना है बेट वेट, रिस्ट्रेन एंड लेट डाउन। आगे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बियाटिफिक। बियाटिफिक की मीनिंग होती है ब्लिसफुल। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो ब्यूटीफुल हम इसे रिलेट करेंगे ब्यूटी, ब्यूटीफुल ब्यूटी। तो हम कहते हैं ना कि जो भी ब्यूटीफुल लोग होते हैं वो बहुत ही ब्लिसफुल होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं। इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं, ब्लिसफुल, हैप्पी एंड ब्लेस्ड। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलाइन। बिलाइन की मीनिंग होती है सीधा रास्ता। इसके सिनोनिम्स हैं डायरेक्ट एंड क्विक रूट, डायरेक्ट एंड क्विक रूट। तो इसमें खुद ब खुद वर्ड छुपा हुआ है लाइन। तो जो लाइन होता है वो हमेशा सीधा ही होता है, तो सीधा रास्ता अपने आप यहाँ से रिलेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बिहू। बिहू की मीनिंग होती है जो कि डिजर्विंग है, डिजर्व करता है। तो बिहू इज साउंड लाइक बिहेव, बिहू बिहेव। तो जिसका बिहेव अच्छा होता है वो बहुत ही डिजर्विंग पर्सन होता है, हर चीज़ों के लिए डिजर्व करता है। हमेशा आप उन पर्सन को मेरिट लिस्ट में देखेंगे, एंड वो हर सिचुएशन के लिए सुटेबल होते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बी सुटेड टू, मेरिट एंड डिजर्व। इस तरीके से हम इसे सिनोनिम्स से भी लिंक करा रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं सिनोनिम्स भी याद होते चलें। आगे का वर्ड है बैली। बैली की मीनिंग होती है झुठलाना, कॉन्ट्रडिक्ट एंड गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? लास्ट वर्ड देखिए LIE। लाई की मीनिंग ही होती है झूठ, और इसकी मीनिंग है झुठलाना, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेस्टो। बेस्टो की मीनिंग होती है देना या फिर प्रदान करना। इसके सिनोनिम्स है कॉन्टर। तो कैसे याद करेंगे? बेस्टो, बेस्ट टॉय, बेस्टो, बेस्ट टॉय, बेस्ट टॉय दे दो, बेस्टो, बेस्ट टॉय दे दो। तो जब भी हम किसी को बेस्ट टॉय देंगे, मीन्स हम उसे प्रदान करेंगे वो चीज़, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिल्क। बिल्क की मीनिंग होती है चीट करना या फिर दगा देना। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? मिल्क, मिल्क से अगर हम मिल्क को रिलेट कर रहे हैं तो जो भी मिल्क मैन होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं पानी में दूध में पानी मिलाता ही है। तो इस तरीके से वो आप कभी भी प्योरली दूध तो देता नहीं है, हमेशा वो दूध में पानी मिलाकर देता है। इवन सम टाइम दूध में पानी ना होकर के पानी में दूध होता है। तो इस तरीके से मिल्क मैन हमेशा हमारे साथ चीट करता है, तो हम उसे यहाँ से याद कर सकते हैं। एंड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्विंडल, चीट, ड्यूप, जगल एंड बैट्रे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लांड। ब्लांड की मीनिंग होती है नरम। इसके सिनोनिम्स है सूथिंग, मिल्ड, एग्रीएबल, मॉडरेट, पल्पी एंड सॉफ्ट। तो अगर हम इसमें से एल हटाएं तो ये बैंड हो जाएगा, और बैंड बेंट। तो जो भी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं वो आसानी से बेंट हो जाती हैं, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लांच। ब्लांच की मीनिंग होती है ब्लीच। तो ये सेम साउंड वैसे भी कर रहा है, ब्लांच ब्लीच, ब्लांच ब्लीच।
और अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो हम ब्रांच को रिलेट करेंगे ब्लैंक। तो जो भी ब्लैंक पेपर होता है वो पूरा का पूरा वाइट होता है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं ब्रांच के सिनोनिम से ब्लीच एंड वाइटन। आगे बात करते हैं बिकर। बिकर की मीनिंग होती है क्वारल यानी कि झगड़ा करना। तो बिकर को हम रिलेट करेंगे बियर, बिकर, बियर, बिकर। तो बियर पीने के बाद इंसान जो होता है वो हमेशा झगड़ा करता है और इसके सिनम्स हो जाएंगे क्वारल एंड फॉल आउट एंड कंटेंट। बहुत ही ईजी है फ्रेंड बिकर को याद रखना, क्योंकि हम इसे बियर से याद करेंगे और बियर पीने के बाद इंसान हमेशा झगड़ा ही करता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड। ब्लड की मीनिंग होती है जोर से बोलना। इसके सिनम्स है अटर इम्पल्सिवली। तो जब भी हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे ब्लड, तो ब्लड को हम रिलेट करेंगे हमेशा फ्लड, ब्लड, फ्लड। जब भी आप किसी के साथ फ्लड करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं, तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आप जोर से बोलते हैं, तो ब्लड, फ्लड। और जब भी फ्लड करना होता है तो हमें जोर से ही बोलना पड़ता है। आगे बात करते हैं बून। बून का मतलब होता है बेनिफिट या फिर वरदान। इसके सिनम्स हैं एडवांटेज, ब्लेसिंग, गेन एंड प्रॉफिट। तो बून को हम याद करेंगे या तो बोनस से, बोनस मिलने से हमें प्रॉफिट होता है, या फिर मून से, बून, मून। तो जो मून है हमारे पृथ्वी के लिए एक बून है, वरदान है, ब्लेसिंग है, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे का वर्ड है ब्रोन। ब्रोन की मीनिंग होती है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ब्रोन। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, ब्रोन, प्रोन। एंड प्रोन खाने से हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ब्रोन, प्रोन, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके सिनम्स हो जाएंगे स्टर्डीनेस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। आगे बात करते हैं ब्रूक। ब्रूक की मीनिंग होती है सहना, टॉलरेट करना, टॉलरेट, एंजोर। इसके सिनम्स हैं, तो अगर आपको एक एड याद होगा ब्रूक बॉन्ड टी का, जिसमें हम कहते थे ब्रूक बॉन्ड टी, ब्रूक, जस्ट ड्रिंक द टी एंड देन यू कैन टॉलरेट एनी टेंशन। और सही बात भी है, जब हम टी पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टेंशन कम हो जाता है, उस टेंशन को सहने की शक्ति आ जाती है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल की मीनिंग होती है इजिली ब्रोकन। इसके सिनम्स हैं क्रिस्प, फ्रेजाइल एंड इजिली ब्रोकन। तो ब्रिटल, ब्रिक, लिटल, ब्रिटल, ब्रिक, लिटल। तो जो भी लिटिल ब्रिक होता है वो आसानी से टूटने योग्य होता है, ब्रिक लिटल कैन बी इजिली ब्रोकन। आगे की बात करते हैं ब्रॉच। ब्रॉच की मीनिंग होती है सीक या फिर इंट्रोड्यूस या फिर ओपन अप। तो जब भी हमें ब्रॉच की बात होगी तो ब्रॉच को हम लेट करेंगे ब्रिंग अ न्यू अप्रोच, ब्रिंग अ न्यू अप्रोच, ब्रॉच, ब्रिंग अ न्यू अप्रोच, ब्रॉच। तो जब भी हमें एक न्यू अप्रोच करना होता है तो हमें पहले चीज़ों को समझना पड़ता है, सभी चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसे लेट कर सकते हैं ब्रॉच, ब्रिंग अ न्यू अप्रोच। और फॉर अ ब्रिंग न्यू अप्रोच हमें क्या चाहिए, एक इंट्रोड्यूस चाहिए। आगे बात करते हैं ब्राजिन। ब्राजिन की मीनिंग होती है बेशरम। हम इसे रिलेट करेंगे बार प्लस जैन, बार प्लस जैन। तो कोई जैन नाम की लड़की है जो कि बार में काम करती है। अब बार बढ़ाया तो जैसे ही बार बढ़ाया कहीं ना कहीं सेमलेस वर्ड दिमाग में घूमने लगेगा, जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं ब्रांडिस। ब्रांडिस की मीनिंग होती है धमकी देना। इसके सिनम्स हैं वेव अराउंड एंड ह्यूरियस। अब इसे कैसे याद करेंगे आप ब्रांडिस को, तो ब्रांडिस में कहीं ना कहीं ब्रांडी वर्ड आ रहा है, ब्रांडी जो कि एक वाइन का नाम है। तो लोग वाइन पीने के बाद क्या करते हैं, धमकी देना स्टार्ट करते हैं, झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांडी धमकी देना एंड ब्रांडिस, ब्रांडी धमकी देना, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रंट। ब्रंट की मीनिंग होती है मैन, इम्पैक्ट और सोक। तो ब्रंट को हम लेट करेंगे बंट। जब भी हम जल जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं धक्का सा लगता है और सॉक लगता है, या फिर व्हेन द वायर इज बंट वी माइट गेट सॉक। एंड इसके सिनम्स हो जाएंगे इंजरी, डैमेज एंड सॉक। जब भी हम जलते हैं तो कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है, जहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। ब्राकिस की मीनिंग होती है समथिंग सेलिनक यानी कि कुछ हद तक नमकीन। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, लास्ट वर्ड देखिए ब्राकिस फिश, ब्राकिस फिश। तो मोस्टली जो खारे पानी की मछलियाँ होती हैं कुछ हद तक कहीं ना कहीं वो नमकीन होती हैं, तो वहाँ से आप इसे लेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बजा। बजा की मीनिंग होती है विचित्र, फैंटास्टिक, इसेंट्रिक, वायोलेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हम इसे कैसे लेट करेंगे, बजा, बाजार, बजा, बाजार। तो बाजार में बहुत ही विचित्र विचित्र तरीके की चीज़ें बिकती हैं, तो इस तरीके से भी आप लेट कर सकते हैं। आगे का नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिवाक। बिवाक का मतलब होता है पड़ाव, टेम्परेरी एनकैंपमेंट, टेम्परेरी एनकैंपमेंट। तो कैसे याद करेंगे आप इसे,
ब्यू वॉक, अगर हम इसे लेट करें बाई वॉक, बी वॉक बाई वॉक, यानी कि बाई वॉक अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो हम कैसे जाएंगे, बीच बीच में रुक रुक कर जाएंगे, छोटे छोटे पड़ाव डाल डाल कर जाएंगे, कंटिन्यूसली तो हम लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते बाई वॉक, तो कहीं ना कहीं हमें पड़ाव डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैड, बैड की मीनिंग होती है तंग करना, टीज इसके सिनोनिम्स हैं, टीज हो जाएगा, हासिस हो जाएगा, हैम्पर, तो हम इसे कैसे लेट करेंगे, बैट को या तो लेट कर लीजिए वेट, अगर कोई आपको वेट कराता है तो आप तो कहीं ना कहीं वो आपको तंग करता है, टीज करता है, या फिर बाइट, बैट को हम लेट कर सकते हैं बाइट से भी, अगर कोई हमें बाइट कर ले तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें दर्द होता है, या फिर बैट, टीनेज में हम बैट लगाते हैं अपने फ्रेंड से, वो भी हमें तंग करने के लिए हमें हमारे साथ बैट लगाते हैं, तो इन तीन तरीकों से आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैबल, बैबल की मीनिंग होती है फालतू की बकवास करना, बैबल ब्ला ब्ला ब्ला, बैबल ब्ला ब्ला ब्ला, सेम साउंड आ रहा है, चैटर आइडली, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, फालतू की बकवास करना, बैबल का मतलब फालतू की बकवास करना, ब्ला ब्ला ब्ला, जब भी लोग ब्ला 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 करते हैं मतलब वो फालतू की बकवास करते हैं। आगे का हमारा वर्ड है बाक, बाक की मीनिंग होती है रोकना, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, जब भी कुत्ते भौंकते हैं यानी कि बार्क करते हैं, बार्क 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 बार्क, सेम साउंडिंग है, जब भी कुत्ते बार्क करते हैं तो हम रुक जाते हैं, व्हेन अ डॉग बार्क्स यू बार्क, व्हेन अ डॉग बार्क्स यू बार्क, बार्क बार्क, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। और इसके मीनिंग है वही रुकना, स्टॉप शॉर्ट। एंड चलिए आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनल, बैनल की मतलब होती है तुच्छ, और इसके सिनोनिम्स हैं हैकनेड, लैकिंग, लापरवाही की कमी, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, बैनल कैनल, और कहीं ना कहीं कैनल नहर के सामने, कैनल जो होता है नहर वो नदी के सामने तुच्छ होता है, इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट की मीनिंग आप सबको पता है बेनिफिट, बेनिफिशियंट, काइंडली, डूइंग गुड, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है बेनिफिशियंट, हमारे डेली लाइफ का वर्ड है, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज के पार्ट कवर की है बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई है और आपको कोई सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।